गाइस वेलकम बैक टू टैगोन 24 यूट्यूब चैनल। मैं अमन कुमार और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्लू टिक वेरिफिकेशन के बारे में। जी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके नाम के आगे एक ब्लू टिक होता है जो कि ये दिखाता है कि ये वेरीफाइड है, वो उनके वो वेरीफाइड किया गया है उस ऐप के थ्रू। अगर वो इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक देख रहे हो आप तो इंस्टाग्राम ने उन्हें वेरीफाइड करा है। और ये ब्लू टिक सेलिब्रिटीज को मिलता है या उनको मिलता है जिनकी कोई फेस वैल्यू हो, और या फिर उनको जो कंपनीज होती हैं उनको मिलता है। तो बेसिकली कुल मिला के 3-4 लोगों को मिलता है ये, ठीक है। तो दोस्तों देखो अब क्या है, ब्लू टिक का काफी ज्यादा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो हमारे स्टेटस शो करता है कि हम वेरीफाइड है, ब्लू टिक हमारे पास, वी आर सेलिब्रिटीज, ऐसा ब्लू टिक मिलने के बाद लोग सोचते हैं। तो दोस्तों ये ब्लू टिक लेना आजकल बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि बहुत लोग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज जो टिकटॉकर्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर आपको मिल जाएंगे जिनके पास ब्लू टिक है, बट आपको उनकी सच्चाई बताऊँ वो सारे वो जितने भी उनके ब्लू टिक होते हैं वो परचेज के होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ। एक का नाम भी ले सकता हूँ मैं, जैसे कि इस टाइम मिस्टर फैजू करके हैं टिकटॉकर, उसने अपना ब्लू टिक खरीदा है। आप उसकी विकिपीडिया क्या गया है, जबकि क्रिकेटर है ही नहीं, वो एक टिकटॉकर है। तो उसने ये फेक अपनी विकिपीडिया बनवाई है, उसके बाद उसने इंस्टाग्राम से ब्लू टिक लिया है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे लोग ब्लू टिक लेते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में दो चीज़ें बताऊँ कि आपको कैसे ब्लू टिक मिल सकता है और फेक ब्लू टिक कैसे लोगों ने ले रखा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले आते हैं 307 पे, जिनके आप टिकटॉकर रहिए, अगर आप उन्हें नहीं जानते तो आप एक बार इंटरनेट पर डालोगे तो आ जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हो। उनके सबके अकाउंट ब्लू टिक वेरीफाइड है, जबकि दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्योंकि वो कुछ ऐसा करते ही नहीं है कि उनका वेरीफाइड हो पाए, बट उन्होंने कराया है, खरीदा है, ऐसा मैं तो कह ही रहा हूँ। उसकी विकिपीडिया भी कह रही है, जहाँ पे उनको मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ विकिपीडिया के उनका, कि वहाँ पे उन्होंने शो कर रखा है कि हम क्रिकेटर हैं, जबकि वो क्रिकेटर है ही नहीं, वो एक टिकटॉकर है, ठीक है। तो साफ पर इसलिए जाता है कि उन्होंने ब्लू टिक खरीदा है। साथ ही में कुछ लोग और सामने निकल के आए हैं यूट्यूब पे जिन्होंने ये वेरीफाई करा है कि इन्होंने वो ब्लू टिक इंस्टाग्राम वाला खरीदा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम से ब्लू टिक मिलता कैसे। देखो आजकल दोस्तों मैं एक चीज़ देता हूँ, सोशल मीडिया काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत लोग जल्दी फेम पाना चाहते हैं, बहुत चीज़ें करना चाहते हैं। तो मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ इन सारी सोशल मीडिया चीज़ों का। देखो यूट्यूब, आप मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो ना, हम चाहे यूट्यूब के भी सब्सक्राइबर्स परचेज कर सकते हैं, यूट्यूब के भी व्यूज परचेज कर सकते हैं, यूट्यूब के लाइक्स परचेज, कमेंट्स, मतलब कुछ भी हम खरीद सकते हैं यूट्यूब पे भी, पैसे देके हम ये सारी चीज़ें बढ़वा सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी यही सेम चीज़ें, हम कमेंट्स बाय कर सकते हैं, हम फॉलोअर्स बाय कर सकते हैं, हम लाइक्स बाय कर सकते हैं, हम सब चीज़ बाय कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें होती है ना वो सब हम पैसों में खरीद सकते हैं और बहुत जल्दी फेमस हो सकते हैं। तो दोस्तों आजकल लोग यही कर रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपये में इंस्टाग्राम के ब्लू टिक आपको मिलते हैं, मतलब आपको वेरीफाई कर दिया जाए। और दोस्तों पता है ये ब्लू टिक मिलता है कैसे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपकी बस एक आप बायो होनी चाहिए इंटरनेट पे, बायो मीन्स कि आपके बारे में वेबसाइटों पे लिखा होना चाहिए जो कि वेरीफाइड वेबसाइट्स होती है। कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइटों पे आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो, आपकी बायो हो, आपके बारे में हो, ऐसी 4-5 वेबसाइटें आपके बारे में लिख देंगी ना, तो इंस्टाग्राम क्या करता है, जब भी आप वहाँ पे जाओगे इंस्टाग्राम में आपको वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का बटन दिखता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो जो इंस्टाग्राम का ऐप है वो सीधा जाएगा गूगल पे, आपका नाम डालेगा और सर्च करेगा, तो वहाँ पे आपके नाम जैसे ही वो डालेगा तो देखेगा कि काफ़ी वेबसाइटों ने आपके बारे में लिख रखा है, तो वो आपका वहाँ से समझ जाए कि ये पॉपुलर बंदा है कुछ, तो इसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। तो ऐसे करके आपको ब्लू टिक वेरीफिकेशन मिलता है। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि 15-20 हज़ार रुपये लेती हैं और ये सारे काम खुद करती हैं, पोस्ट डलवाती हैं वेबसाइटों पे और आपको ब्लू टिक मिल जाता है। अगर आप ऐसी एजेंसीज को इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी एजेंसीज मिल जाएंगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना ही करें क्योंकि काफ़ी एजेंसीज फेक भी होती हैं। अब आते हैं दोस्तों कि आप रियल तरीके से कैसे ले सकते हो ये ब्लू टिक वेरीफिकेशन। तो दोस्तों देखो अगर आपको लेना है ना तो आपको
आपको पहली बात अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी। आप एक वीडियो क्रिएटर हो तो आपको वीडियोस बनानी पड़ेगी अच्छी अच्छी ताकि आप किसी की नजर में आओ, और आप जब किसी की नजरों में आओगे तो वो आपके बारे में लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, आपके बारे में बातें होंगी, तो ऑटोमेटिकली लोग इंटरनेट पे आपके बारे में डालेंगे। ठीक है, जैसे देखो कैरी मिनट है, कितने पॉपुलर है, उनके बारे में कितनी वेबसाइट पे डाल रखी है चीजें, उनको बड़ी प्यार से ब्लूटिक वेरिफिकेशन मिल जाएगा, मिल गया है, सॉरी मिल जाया, मैं कह मिल गया है। ऐसे ही आप बीबीजी वाइंस, आप ये लोग और अमित बनाना, आशीष चंचलानी, इन सबको ब्लूटिक वेरिफिकेशन ओरिजिनल मिला है, इन्होंने खरीदा नहीं है। तो ठीक है, तो अगर आप भी बस मेहनत करनी है, मेहनत करते हो यार, ब्लूटिक वेरिफिकेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका है। और अगर मैं इसमें ब्लूटिक वेरिफिकेशन कैसे ले, इसमें मैं डिटेल वीडियो बता दूंगा, तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है ना इजी तरीके से, तो मेरे चैनल अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, तो फटाफट मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊंगा। और गाइस इस वीडियो पे कम से कम भी 50 लाइक तो कर ही देना, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे लाऊंगा, वरना फिर बोलेगा आपको इंटरेस्ट नहीं है ब्लूटिक वेरिफिकेशन में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस मेरे को इतना ही बताना था कि क्या सीक्रेट है ब्लूटिक का, लोग खरीदते हैं और बेचते भी हैं, और ओरिजिनल लास्ट या ओरिजिनल चीजें रही नहीं गई, पैसे दो और हर चीज मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपकी उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी है, तो इसलिए मेरी एनर्जी थोड़ी लो है इस वीडियो में, उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी आप करके जा सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछ लेना।